हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और लुआस यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, बहुत ही एक फेमस कोर्स है हरियाणा लेवल पे, VLDD। तो लुआस ने अपने डिप्लोमा कोर्सेज के एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 1 जुलाई से। जो एंट्रेंस की डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है। पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, तो देखते हैं कि किस तरीके से। लुआस ने अपना ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। इम्पोर्टेंट डेट, एग्जाम डेट, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट, सब कुछ अनाउंस कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में सब देखेंगे। तो ये देखिए भाई, प्रोस्पेक्टस 2022-23 के लिए है। ये सिर्फ डिप्लोमा कोर्स के लिए है। एक डिप्लोमा होता है VLDD, जिसका अलग से एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है लुआस यूनिवर्सिटी, और एक होता है DVLT, जो कि आपका नीट के बेसिस पे एडमिशन होता है जिसका, ठीक है। तो ये दो डिप्लोमा है। VLDD की फुल फॉर्म होती है वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं और 28 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है लुआस की, लुआस की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लेट, विदाउट लेट फीस आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो 28 जुलाई है, 600 रुपये और लेट फीस लगेगी अगर आप 4 अगस्त तक का टाइम लेंगे तो आप जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट आप नोट कर लीजिए, VLDA का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, VLDA का एंट्रेंस एग्जाम होगा 11 सितंबर को। 11 सितंबर को आपका पेपर होगा VLDA का एंट्रेंस एग्जाम, नोट कर लीजिए दोबारा से, 11 सितंबर। काफ़ी टाइम है भाई, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं VLDA की, तो उनका पेपर होगा 11 सितंबर को। लेकिन पेपर पैटर्न वही रखा है जो लास्ट ईयर था, एलिजिबिलिटी चेंज कर दी बट पेपर पैटर्न वही रखा है। तो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, हमारे पास भी हैं, जो 11 12th लेवल का पढ़ रहे थे, वो नहीं पढ़ना है अभी। अभी आपको वापस से 10th बेस का ही पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास कोर्स रेडी है 10th बेस वाला भी, और अभी हमने एक नया कोर्स भी अनाउंस कर दिया है VLDA के लिए, जिसका नाम है सुपर 70। तो जो भी स्टूडेंट VLDA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सुपर 70 नाम से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, है ना, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अभी इसी वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता रहा होगा कि पेपर पैटर्न क्या है। 1 से लेके 28 जुलाई तक फॉर्म फिल करने हैं, 11 सितंबर को आपका VLDA का एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं जी, फीस कितनी लगेगी फॉर्म भरने की। तो 2000 रुपये अगर आप VLDA का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फीस है 2000 रुपये, आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी 2000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म फिल करने के मैंने बता दिया है। उसके बाद देखिए यहां पे, ये देखिए काफी आवश्यकता, VLDA के लिए आपका मेडिकल स्ट्रीम के साथ, है ना, मेडिकल स्ट्रीम के साथ 10+2 पास, मैट्रिक या 10वीं की परीक्षा में, देखो इसके लिए VLDA के लिए दो एलिजिबिलिटी हैं। VLDA के लिए, VLDD का जो डिप्लोमा होता है, एक तो 12th पास आउट, मतलब मेडिकल 12th मेडिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपकी कितनी परसेंटेज हो वो मैटर नहीं करती, बट साथ में 10th के अंदर 60% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, एंड 57 होने चाहिए अन्य कैटेगरी के लिए, कोई अदर कैटेगरी है उसके लिए। तो 12th में मेडिकल पास होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो आ जाएगा भाई 28 जुलाई तक आ जाएगा, सभी बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो 28 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। तो 12th में मेडिकल होनी चाहिए, 10th में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है VLDA का फॉर्म भरने के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं एज, एज का भी बड़ा फैक्टर रहता है यहां पे, तो एज नोट कर लीजिए। एज आप इस 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 17 साल के इस डेट तक, अगर आप इस डेट तक 17 साल के हो जाते हैं तो आप फॉर्म एलिजिबल कर सकते हैं। और मैक्सिमम 22 वर्ष होगी, जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम 22 वर्ष तक का ही, इस तारीख तक, अगर वो 22 साल से कम है,
तो वो फॉर्म भर सकता है। अगर इस तारीख तक वो 22 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बातें लिखी हुई है इसमें। बाकी को देखो भाई, जो आपका एससी एंड डीएससी कैटेगरी होती है और बीसी कैटेगरी, अधिकतम आयु में 5 साल की छूट होती है। यानी कि एससी कैटेगरी वाले, डीएससी कैटेगरी वाले एंड बीसी कैटेगरी वाले 27 वर्ष के वो हो तो वो वीएलडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भाई आपका जो सेवारत है, यानी कि जो आर्मी से या कहीं से रिटायर्ड है, उनके मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं जी, यहाँ पे भी देखिए, या क्वालिफिकेशन को यहाँ पे भी अलग से अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपका पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन विद बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी विद इन साइंस स्ट्रीम, तो ये बताया गया है। ये कोई डेट नहीं है, ये तो भाई नोटिस जारी किया गया था। इस डेट को तो नोटिस जारी किया गया था 60% 10th क्लास में होने चाहिए, 12th में कितने परसेंट हो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, है ना। तो ये आपका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूं। ये जो चीज है ना, हम भी जो बच्चों को पढ़ा रहे थे वो 11, 12th का पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमें पता लग गया था मेडिकल बेसिस पे कर दिया तो 11, 12th का पूछेंगे। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि जो 2017 में मेडिकल बेस पे ही होता था वीएलडीए का ये मतलब एलिजिबिलिटी, तो उस टाइम पे 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के 11, 12th का सिलेबस होता था। तो हमने सोचा इस बार भी वही रहेगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। बट अब ये क्लियर हो चुका है ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से कि जो आपका पेपर पैटर्न है जो लास्ट ईयर का था वही रहेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से चेंज करें, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है जिनको जानकारी ना हो, ओल्ड तरीके से ही पढ़ रहे हो, तो पेपर पैटर्न वही रखा गया है 10th लेवल वाला। तो देख लीजिएगा ध्यान से यहां पे। तो ये देखिए, यहां पे साइंस के क्वेश्चन आएंगे 70 क्वेश्चन साइंस के, जो कि 70 मार्क्स के होंगे, एंड मैथमेटिक्स के भी 70 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका 70 मार्क्स, ये 10th लेवल के होंगे। देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है, द सिलेबस ऑफ वीएलडीडी एंट्रेंस 2022 विल बी मैट्रिक स्टैंडर्ड। मैट्रिक यानी कि ये 10th लेवल के। लास्ट ईयर भी ऐसा ही होता था स्टूडेंट, लास्ट ईयर भी ऐसा ही होता था कि यही सब कुछ रहता था। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे पास बिल्कुल डिटेल कोर्स अवेलेबल है। ये जो पीछे इस पैटर्न के प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं, इस पैटर्न के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, इस पैटर्न के असाइनमेंट अवेलेबल हैं। और ये है जिन भी बच्चों को 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट समझने में मुश्किल होती थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि अब उनको यही पढ़ना है, अब उनको यही पढ़ना है। समझ गए मेरी बात? तो अब 70 नंबर की साइंस आएगी, सारा कोर्स रेडी है, सारा मटेरियल रेडी है। मैंने अनाउंस कर ही दिया कि हमने सुपर 70 के नाम से एक वीएलडीए का नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है। कहां पे आपको जानकारी लेनी वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आगे बात करते हैं जी, पेपर का टाइम कितना है। तो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा, ये 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 30 मिनट जो होंगे वो प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज, यानी कि आपको पेपर सोल्व करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट ही मिलेंगे, 1 घंटा 45 मिनट ही आपको पेपर सोल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। टाइमिंग वो आपको बाद में बता दी जाएगी। मीडियम जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा और हिंदी मीडियम में भी रहेगा। अब भाई अगर 12th मेडिकल कर दिए तो मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम से तो नहीं होने वाले, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही रहेंगे, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं भाई सीट कितनी है। तो डीवीएलटी में होती है 20+4 एंड वीएलडीडी में है 1060+23, 1060। ये प्राइवेट को मिला के बता रहा हूं, सारी सीटें 1060 प्लस में 23। बट अगर आप बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटरनरी साइंस, जो कि लुआस कैंपस के अंदर है, उसके अंदर सीटें हरियाणा रेजिडेंट के लिए 70 सीटें होती हैं, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है उनके लिए 6 सीटें होती हैं, 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के लिए, जीएनसीटी दिल्ली के लिए, इन सर्विस लुआस कैंडिडेट के लिए, एसएसबी कैंडिडेट के लिए, विलाज रिवासा रेजिडेंट इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट उनके लिए। तो ये लगभग मिलाओगे तो भाई देखो मेनली तो यही मान के चलो कि 70 सीटें हो, 70 एंड ये एडिशनल कितनी बन रही है, 9 और 3,
11 हो गई, तो 81 और 6 87 और 5 लगभग 92 सीट हैं, ये सारी मिला लोगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं मोस्टली वो इसी के लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो 70 सीट आपका लुआस के अंदर है। बाकी प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो भाई देखो, बहुत बड़ा चेंज कर दिया है वीएलडीए में। पहला बड़ा चेंज है कि 12th मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और पेपर पैटर्न लास्ट ईयर वाला ही रखा है, तो इन दोनों बातों का बड़ा ध्यान रखना है। और जो भी बच्चे अभी भी वीएलडीए क्रैक करना चाहते हैं, काफी टाइम है भाई मैं बता रहा हूं, तो सुपर 70 के नाम से हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है वीएलडीए के लिए, है ना। और इसमें आपको सारा वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब कुछ मिलेंगे। तो दो कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे लिख रहा हूं, फटाफट से इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो भी बच्चा वीएलडीए के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपका भी कोई रिलेशन में कोई फ्रेंड अगर वीएलडीए के लिए अप्लाई करना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।